नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 12 के अंदर किस तरह से जी एप्स को इंस्टॉल करते हैं, हाउ टू इंस्टॉल जी एप्स ऑन एंड्रॉयड 12 कस्टम रॉम। सो इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के साथ आपने एंड्रॉयड 12 के साथ साथ किसी भी एंड्रॉयड वर्सन के अंदर आप जो है जी एप्स को इंस्टॉल कर पाओगे। बट आपको अलग अलग जी एप्स का जो वेरिएंट है, जी एप्स का जो वर्सन है, उसे आपको डाउनलोड करके फ्लैश करना होगा। यहाँ पर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जी एप्स है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जी एप्स को डाउनलोड करके अपने एंड्रॉयड 12 कस्टम रॉम के अंदर फ्लैश कर सकते हो। बट सबसे पहले जो चीज़ आपको जानना होगा, एंड्रॉयड 12 को जो है रिसेंटली रिलीज किया गया है गूगल की तरफ से October 4, 2021 के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड्रॉयड 12 को रिलीज हो पाए। सो इसलिए जी एप्स जो है इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है एंड कुछ कुछ टाइम आपको दिक्कत भी दे सकता है। तो यहाँ पर जो मैं हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, Redmi Note 7 है। Redmi Note 7 के अंदर मैं AOSP रॉम यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो कि एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। तो इस रॉम का जो रिव्यू वीडियो है वो बहुत जल्दी आने वाला है और आ चुका है, और जो इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल के ऊपर, जो Redmi Note 7 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेकआउट कर पाओगे। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से आप ये जो जी एप्स है किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। बट सबसे पहले आपको जो करेक्ट वर्जन है जी एप्स को उसे डाउनलोड करना होगा। मेक श्योर करना आप जो जी एप्स को डाउनलोड करो वो एंड्रॉयड 12 का ही हो। अगर आप और कोई वर्जन का डाउनलोड करते हो तो शायद आपके फ़ोन के ऊपर काम ना करे। एंड ARM 64 ये भी चेक कर लेना, अगर आपके डिवाइस के ऊपर ARM 64 है तो अलग अलग जी एप्स है, ARM के लिए अलग जी एप्स है, तो राइट वर्जन को आपको डाउनलोड करना होगा। अभी फिलहाल जो जी एप्स है ज़्यादा वर्जन भी अवेलेबल नहीं है एंड जी एप्स जो है इतना ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है, क्योंकि नया नया बिल्ड है एंड्रॉयड 12, तो इसलिए आपको जी एप्स के साथ कुछ कुछ दिक्कत होने देखने को मिल सकता है। तो सिंपली हमारे पास जो Redmi Note 7 है इसके अंदर आपको रिकवरी के अंदर बूट करना होगा। जो भी आप जी एप्स को फ्लैश करना चाहते हो उसे अपने फ़ोन के ऊपर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है रिकवरी के अंदर बूट करना होगा, कस्टम रिकवरी। यहाँ पर मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ करने वाला हूँ, बट अपना जो TWR रिकवरी है उसके साथ भी काम हो जाएगा। जो जो स्टेप है वही स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। तो सिंपली अपना जो पावर बटन है, वॉल्यूम अप बटन है, उसे होल्ड करके रखिएगा। होल्ड करने के बाद आपका जो फोन है उसको रिकवरी के अंदर बूट होना चाहिए। लगभग 5 to 6 सेकंड आपको होल्ड करके रखना होगा, उसके बाद आपका जो फोन है रिकवरी, कस्टम रिकवरी जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर बूट हो जाना चाहिए। यहाँ पर हम ऑरेंज फॉक्स रिकवरी की यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का जो लोगो है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली जो अपना क्या कहते हैं जी एप्स है उसे यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया है, यानी यहाँ पर सिंपली फ्लैश करते हैं। तो ये जो जी एप्स इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड एज फॉर नाउ जैसे कि देख पा रहे हो जी एप्स फ्लैश करते ये जो फ्लैशिंग है स्टार्ट हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें इरर देखने को मिल गया है। जैसे मैं आपको बोला एंड्रॉयड 12 का जो जी एप्स अभी फिलहाल इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसके अंदर इशू है। देख सकते हो यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड 12 का रॉम को ट्राई किया, अलग अलग जी एप्स को भी ट्राई किया, बट फिर भी जो जी एप्स है फ्लैश नहीं हो रहा है। सो शायद एज फॉर नाउ एंड्रॉयड 12 के बिल्ड के साथ कोई इशू हो सकता है। हमने यहाँ पर और एक जी एप्स को हम ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं ये जो जी एप्स से काम करता है नहीं। तो सिंपली यहाँ पर देख पड़ो, तो अलग अलग जी एप्स को हमने ट्राई किया है पर एंड्रॉयड 12 के अंदर इंस्टॉल करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी जी एप्स जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, हमें जो है एरर मैसेज ही शो कर रहा है। तो इस चीज़ को हम जो है इनकाउंटर कर रहे हैं एज फॉर नाउ। सो कुछ टाइम के बाद जब एंड्रॉयड 12 स्टेबल हो जाएगा और भी थोड़ा सा, तब दोस्तों इसका जो जी एप्स है और भी अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। नया नया है इसलिए अभी फिलहाल ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, कुछ टाइम के बाद अच्छी खासी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, होपफुली ये जो वीडियो है थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। एज फॉर नाउ ट्राई कीजिए जिस रॉम के अंदर जी एप्स है उसे फ्लैश करने के लिए अपने फोन के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।